हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड ए लेसन नंबर 7 सब्जेक्ट एसेज ओके स्टैंडर्ड एट में लेसन नंबर 7 का नेम क्या है एनवायरमेंटल चेंजेस क्या है एनवायरमेंटल चेंजेस एनवायरमेंट यानी क्या होता है हमारे आसपास का जो क्या है एटमॉस्फेयर उसमें क्या होते हैं चेंजेस होते हैं किसकी वजह से जैसे कि क्लाइमेट है वेदर है एंड विंड है पॉल्यूशन है इन सब की वजह से क्या होता है गैसेस है डिफरेंट टाइप के उन सब की वजह से चेंजेस होता है सो यू कैन सी पेज नंबर 37 फर्स्ट पैराग्राफ द एयर दैट एनवेल ऑफ द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड इज नोन एज एटमॉस्फेयर एयर जो एनवेल ऑफ अर्थ को पूरा भर देती है एनवेलप की तरह ऑल साइड से जिसको क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एनवायरमेंट गेट पॉल्यूटेड होता है ड्यू टू इंडस्ट्री फैक्ट्री पावर स्टेशन बीकर इन सब की वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है और एटमॉस्फेयर ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से द चेंजेस दैट अकर इन टेम्परेचर डायरेक्शन ऑफ विंड मॉइस्चर एक्सेप्टर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आर नोन एज एनवायरमेंट चेंजेस ये चेंजेस आता है किसमें टेम्परेचर में डायरेक्शन ऑफ विंड की जो डायरेक्शन है मॉइस्चर है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिसे क्या कहते हैं एनवायरमेंट चेंजेस देन हमारा है फाइंड आउट प्लेसेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली रेन हीट फॉर एन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल ऑल्सो फाइंड आउट रीजन फॉर द सेम तो आपको ये क्या करना है ये आपका इस डब्ल्यू है आपको अपने आप घर पे कंप्लीट करना है ठीक है देन हमारा पॉइंट आता है वेदर क्या है वेदर अभी वेदर कितना है वेदर मीन्स गर्मी ठंडी और रेन तो ये हमारे वर्ल्ड में एंड कंट्री में कितना है तो वो बताते हैं कि कितना टेम्परेचर है रेन है मॉइस्चर है एनी रीजन में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना बढ़ता है कितना कम होता है इज नॉन एज वेदर व्हाट वुड बी द वेदर ऑफ दिस प्लेस ये प्लेस में व्हाट वुड बी द वेदर क्या है राइट योर आंसर इन द नोटबुक आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द गिवन मैप को ऑब्जर्व करके हमें लिखना है ठीक है देन पेज नंबर 38 नेक्स्ट पेज व्हाट इज क्लाइमेट क्या क्वेश्चन है व्हाट इज क्लाइमेट क्लाइमेट एवरेज कंडीशन होती है मीन्स एवरेज दिस ना ही ज्यादा ना ही कम मीडियम ऐसे रेन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर का ओवर मोर देन 35 इयर्स से ज्यादा इन एनी नॉन है जिसे क्या कहते हैं क्लाइमेट कहते हैं कि देखो यहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है वहां पे ऐसा है ऐसे बता दे तो आप देख सकते हैं सीन ऑफ ग्रीन हाउस की इफेक्ट ग्रीन हाउस की इफेक्ट क्या पड़ रही है इसमें जैसे कि इसमें बहुत सारे झरने होने और ये पूरा बैरन की तरह ड्राई लग रहा है फॉरेस्ट पूरा देन आता है ग्रीन हाउस फार्मिंग कौन सा पॉइंट है ग्रीन हाउस फार्मिंग कंट्री बिकम कोल्ड क्लाइमेट रिसीव कंट्री में जैसे कि कोल्ड क्लाइमेट ठंडा क्लाइमेट होता है रिसीव लेस हीट फ्रॉम द सन वहां पे सन की क्या होती है हीट कम पहुंचती है तो क्लाइमेट कैसा लगेगा ठंडा ही लगेगा ऑब्वियसली दिस हैम्पर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड वेजिटेबल और ये प्लांट और वेजिटेबल के लिए क्या एक हैम्पर से ग्रोथ ऑफ हेंस अरेंजमेंट आर मेड टू और इसलिए ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है एक्यूमुलेट जिससे कि अच्छे से एडिक्वेट हीट मिले सन की द रूफ इज मेड ऑफ आइदर ग्लास और क्लॉथ टू अलाउ द सनरे टू पेनिट्रेट एंड सस्टेन द हीट इनसाइड एंड बिल्डिंग एंड दिस प्रैक्टिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस फार्मिंग जिसमें क्या जो रूफ है ना मेन हमारे घर की जो ऊपर की छपरे होते रूफ होती है वो ग्लास और क्लॉथ से बनाए जाते हैं
ग्लास में स्टार्च और क्लोरोफिल से अलग करके जिसमें सनरे आए और अंदर की तरफ आके हमें हीट दे, गर्मी देगा, जिसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस फार्मिंग कहते हैं। बिल्डिंग को भी क्या मिले, हीट मिले। चेंजिंग क्लाइमेट, आप देख रहे हो क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द पिक्चर गिवन अबव इन योर नोटबुक में लिखना है आपको। व्हाट इज ग्लोबल फार्मिंग, क्या है क्वेश्चन, ग्लोबल फार्मिंग। तो ग्लोबल फार्मिंग रिफर टू, ग्लोबल फार्मिंग इसे कहते हैं अनइक्वल एंड कंटिन्यूअस राइज, अनइक्वल इक्वल नहीं होता एंड कंटिन्यूअस राइज बढ़ता जाता है इन द एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, क्लाइमेट का, अर्थ की क्लाइमेट सिस्टम का ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अनइक्वल और कंटिन्यूअस राइज होता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इट अकर वो आता है व्हेन सर्टेन गैसेस, कई ऐसे गैसेस हैं जिसमें एटमोसफियर में इंट्रैप फंस जाते हैं इंफ्रारे रेडिएशन की वजह से, जो अवरक्त रेडिएशन है उसकी वजह से। दिस इफेक्ट में द प्लैनेट के ऊपर इफेक्ट होता है वार्मर बीच सब्सिक्वेंटली लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, जो बहुत ही गर्म रहता है इसलिए सब्सिक्वेंटली पहुंचता है हमें ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स वैश्विक वार्मिंग, वार्मिंग मीन्स तापमान होते हैं टेम्परेचर के दौरान। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग का पिक्चर देख लेना। देन पेज नंबर 40, न्यूज फ्रॉम न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में से हमें जो न्यूज मिलती है वो है, ठीक है, न्यूज फ्रॉम न्यूज़पेपर। एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन वेस्ट यूरोप में हीट एक्सपीरियंस मीन्स गर्मी का एक्सपीरियंस होता है 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन दार्जिलिंग में, व्हिच इज टू मैक्सिमम है 28 डिग्री सेल्सियस। स्नोफॉल इन डेजर्ट में क्या है, स्नोफॉल हो रहा है। मुंबई में रिसीव 942 मिली रेन इन वन डे में हुआ है। ये सब क्या हमें न्यूज मिलती रहती है न्यूज़पेपर में से। 2005 में इंक्रीजिंग टेम्परेचर हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, 2005 में सुंदरवन इज सबमर्जिंग हुआ है। रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इन कोंगो, स्नो रिवर ऑफ नेपाल में स्नो रिवर एंड रिडक्शन हुआ है 5 किलोमीटर कोंगो में। आइस कैप ऑफ द साइज 3250 स्क्वायर किलोमीटर मेल्ट हुई है 35 डेज में एंटार्क्टिका में। सोर्सेस ऑफ रिवर आर ड्राइंग अप, रिवर के जो सोर्सेस है वो क्या हो रहे हैं, ड्राइंग अप हो रहे हैं। हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड, अभी अर्थ कैसे हीटेड होती है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रो ऑक्साइड, क्लोरो फ्लोरो कार्बन एंड हेलो कार्बन प्ले एक्टिव रोल, ज्ञान ये सब एक्टिव रोल प्ले करते हैं इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट में। इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस गैसेस, ये गैसेस का जो प्रोपोर्शन इंक्रीज बढ़ता चलता है वैसे लीड होता है प्रॉब्लम आगे बढ़ती है ग्लोबल वार्मिंग की एंड क्लाइमेट चेंजेस की। इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 100 ईयर्स में इतना बड़ा था। देन आपको ये दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड 64, मीथेन 10, क्लोरोफ्लोरोस 65 एंड हेलोकार्बन 0.5 डिग्री ऐसे बढ़ता है। ईच पर्सन इन द वर्ल्ड रिलीज 4.5 मेट्रिक टन ऑफ CO2, क्या करता है, रिलीज करता है, इंसान निकलता है। 100 ईयर्स अगो अमाउंट ऑफ CO2 वाज 275 ppm था, टुडे इट इज 350 ppm हुआ है। ppm का मीनिंग क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, जैसे कि एग्जांपल 280 ppm है तो 0.28%। देन ग्लोबल टेम्परेचर रेनफॉल और फायर्स का दिया है। देन है हमारा स्टडी करना है टेबल को। सो सी प्लेस थिंग टाइम एंड प्रोपोर्शन गैस रिलीज एग्रीगेट ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर। थर्मल पावर स्टेशन क्लियरली 9-10, मोटर कार में 7-8, एसी में 20-30 केजी, टीवी में 190, ट्यूबलाइट में 88 केजी, कंप्यूटर 130 एंड फ्रिज 920 केजी, क्या होता है, गैसेस रिलीज होते हैं ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन मीथेन, मीथेन CH4, मासिव इंक्रीज इन द मीथेन प्रोपोर्शन फ्रॉम
ppm in the year 750 से लेके 760 बोलने वाला ppm in the year 2005 was due to the reason listed below. मैंने ये रीजन बताया एक्सेलिंग एनिमल्स एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की इसके 14 कारण का पेडी कल्टीवेशन में 15 और डीकंपोजिशन बायोडिग्रेडेबल रेसिड्यूज की वजह से 7 करोड़ टन हुआ था रिलीज. देन हमारा है नाइट्रो ऑक्साइड का प्रोपोर्शन नाइट्रो ऑक्साइड का. देन हमारा पॉइंट है नाइट्रो ऑक्साइड प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रो ऑक्साइड हैज इंक्रीज टू 70 ppm से 319 ppm अभी है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ड्यू टू द यूज ऑफ बॉम्ब प्लास्टिक रेफ्रिजरेटर एसी सर्किट एरोसोल स्प्रे जिनका 1 माइक्रो से 10 माइक्रो नॉन एस एरोसोल है वो भी इंक्रीज हुआ है सीएफएस में. इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट देखो चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन. वेजिटेशन की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती जाती है वैसे चेंजेस भी ऑब्जर्व हम करते हैं. सर्टेन स्पेसिस ऑफ बर्ड्स हमें देखने नहीं मिलते नाउ डिसअपीयरिंग सच एज स्पैरो एंड वल्चर जिसमें 2000 वैसे हिमालय में रिकेट और मेल्टेड हो रहे हैं. ओके देन पेज नंबर 43 देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द नेचुरल कैलेमिटी इंक्रीज होती जैसे कि फैमिन साइक्लोन एक्सेसिव रेन फ्लड इन द लास्ट 10 इयर्स से द प्लेसेस रिसीविंग हैवी रेनफॉल आर नाउ एक्सपीरियंसिंग लेस रेनफॉल भी हो रहा है जैसे कि राजस्थान और दुबई एक्सपीरियंस हैवी रेन एंड देयर इज स्केंटी ऑफ रेन इन चेरापुंजी में बहुत ही कम है. द प्रोडक्शन ऑफ पल्सिस हैज गॉन डाउन पल्सिस का जो प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे गॉन डाउन नीचे होता जा रहा है. लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्रीज होता है. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स भी मेल्टिंग इंक्रीज द वाटर लेवल इन ओशियन के वाटर लेवल में इंक्रीज बढ़ता मीन्स बढ़ता जा रहा है. दिस हैज एग्रीवेटेड द इरोजन ऑफ कोस्ट लाइन जिससे क्या हो रहा है एग्रीवेट मीन्स बिगड़ रहा है क्या कोस्ट लाइन का इरोजन कटा मारा है उसमें. ह्यूमन बींग वी फॉल विक्टिम ह्यूमन बींग फेल हो रहे विक्टिम करने में शिकार करने में टू डिहाइड्रेशन मीन्स जो निर्जलीकरण है एंड मेलन्यूट्रिशन मीन्स जो कुपोषण मीन्स डॉन्ट न्यूट्रिशन मीट न्यूट्रिशन नहीं मिलता ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर की वजह से. देयर विल बी चेंजेस इन द साइकिल ऑफ ए सीजन सीजन के साइकिल ये जो साइकिल है उसमें भी चेंजेस होते जा रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक और समर एंड विंटर सीजन के चेंज हो रहे हैं. सेलिनिटी मीन्स खारापन ऑफ सॉइल का गुजरात में इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज 25 cm इन द सी लेवल में है. देन देयर इज मार्क डिक्लाइन भी हम डिक्लाइन कर सकते हैं इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीज जैसे कि कोलेरा डेंगू मलेरिया येलो फीवर स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा है इंक्रीज बढ़ते जा रहे हैं. एरिया नियर द कोस्ट ऑफ मालदीव्स के कोस्ट का एरिया बांग्लादेश का फिलीपींस का वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का सबमर्ज हो रहा है जलमग्न हो रहा है. अकॉर्डिंग टू एन इंस्टीट्यूशन के नेम जैसे कि ग्रीन पीस अप्रोक्सीमेटली 50 लाख पीपल लिविंग इन गुजरात में रहते विल हैव टू माइग्रेट हो रहे हैं इन द ईयर 2100 सीई में. द फ्लावर्स आर लूजिंग देयर फ्रेग्रेंस फ्लावर में जो फ्रेग्रेंस आती थी वो भी क्या हो रही है कम होती जा रही है लूजिंग होती जा रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग वजह से. बीहाइव्स आर डिसअपीयरिंग फास्ट अभी बीहाइव भी हमें बहुत ही कम देखने मिलती है. ठीक है सी में 7.10 द मैक आर नॉट बेस्ड ऑन इट हाउ मच सीओ द बेन रिलीज कितना सीओ दो रिलीज हो रहा है बाहर आ रहा है. देन पेज नंबर 44 में आप देखोगे सोलर एनर्जी विंड एनर्जी बायोमास और टिडल एनर्जी. ओके देन आता है मेजर टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के मेजर टू प्रिवेंट बचाने के लिए रिड्यूस द यूज ऑफ सोर्सेज दैट रिलीज CO2. CO2 रिलीज हो रहा है तो रिड्यूस द यूज ऑफ सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हमें कम करने यूज करना. एवोल्यूशन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन ग्रोइंग ट्री हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. हम जैसे जैसे ट्री ग्रो करेंगे तो वैसे हमें ऑक्सीजन मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा. अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक को अवॉइड करना यूज करना. ऑप्टिमम यूज ऑफ मैन्यूअल एंड पेस्टिसाइड यूज करने. अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग एड बायोटिक इन द फूड फॉर एनिमल एनिमल्स के लिए जो फूड में एड बायोटिक एड करने. ऑप्टिमम यूज ऑफ हाउस और एप्लायंस यूज करने ज्यादातर. प्रॉपर यूज ऑफ
ट्रांसपोर्ट यूज करने हैं, चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन का चेकअप करना है, डिजाइन द बिल्डिंग विद सफिशियंट वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बचाना है, इंक्रीज द यूज ऑफ इको फ्रेंडली पेपर यूज जैसे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, ग्रो प्लांट एंड ट्री अराउंड योर हाउस, आपके घर के आसपास प्लांट और ट्री ग्रो करने हैं, मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादातर यूज करने हैं, यूज पेट्रोलियम प्रोडक्ट जुडिशियली, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, वाटर केयरफुली, वाटर को केयरफुली यूज करो, वेस्ट मत करो, प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर के हार्वेस्टिंग के लिए इंक्रीज द यूज ऑफ सीएनजी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करना है, क्या नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। देन है हमारा पॉइंट 46, ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट को कैसे बचाती है ग्लोबल पॉलिसी, ऑन रियलाइजिंग द ह्यूमन एक्टिविटी की रियलाइजिंग के ऊपर रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मीन्स नाश हो रहा है, कंट्री ऑफ द वर्ल्ड गैदर एट स्टॉकहोम में इकट्ठी हुई थी एंड कैपिटल ऑफ स्वीडन 1972 में, और उन्होंने एक कन्वेंशन रखा था प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट के लिए, अनदर कन्वेंशन हेल्ड हुआ रियो दे जेनेरियो में ब्राजील में, इन द मीटिंग, ये मीटिंग में हेल्ड एट कोपेनहेगन कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क इन द ईयर 2009 टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग के लिए डिस्कस, इट वॉज ऑब्जर्व करते थे वो दैट द डेवलप्ड नेशन आर नॉट एक्सेप्टिंग द कार्बन, डेवलप्ड नेशन है वो कार्बन को एक्सेप्ट नहीं करते, कार्बन बट द टेक्निक रिड्यूस एमिशन ग्रीन अप एंड द डेवलपिंग नेशन आर इंक्रीजिंग प्रेशर करते हैं ये बढ़ाने में फॉर द रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इट वॉज डिसाइड टू गिव एन, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक 800 बिलियन डॉलर की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग नेशन के डेवलपमेंट के लिए, इन दिस मीटिंग में 59 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम 45 कंट्री में से हुए थे प्रेजेंट एंड थ्रू एट उसके थ्रू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड के जो लीडर्स है मेट टू थिंक सीरियसली रिगार्डिंग द चेंजिंग क्लाइमेट में क्या हो रहा है चेंजिंग हो, ऑन एन एवरेज सिटीजन इन द वर्ल्ड के एमिट यानी उन्होंने रोका 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड, इंडियन सिटीजन एमिट 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड किया, अदर डेवलपिंग नेशंस जो है वो रिलीज करते थे फार लेसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बहुत ही कम रिलीज हो, लार्ज अमाउंट ऑफ कंसेशन इसमें भी छूट मिली थी गिवन फॉर डेवलपमेंट के लिए एंड मोर रेस्ट्रिक्शन भी हुए थे, मीन्स रेस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध लगाए गए थे शुड बी इम्पोज ऑन द कंट्री में जो इम्पोज होती है, लाइक द यूएसए एंड एवरेज अमेरिकन एमिट्स 20.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड, उन्होंने क्या किया था एमिट किया था, ओके। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 8 का ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कंप्लीट हो गया, ठीक है।